बिलासपुर में निशुल्क साइकिल वितरण देवकीनंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में आज किया गया। आज बिलासपुर देवकीनंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में साइकिल वितरण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री राजेश सिंह वार्ड पार्षद तिलक बिलासपुर के रहे एवं शाला विकास समिति के अध्यक्ष एल्डर मैन श्री दीपांशु श्रीवास्तव जी के मौजूदगी में किया गया। वहीं वहां के प्राचार्य श्री सचिन शर्मा जी एवं सभी स्टाफ के द्वारा उनका स्वागत कोरोना काल को देखते हुए सभी ने मास्क का उपयोग करते हुए एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया। जबकि यहां के शाला में छात्राओं की संख्या कक्षा नवी में 116 जिसमें 6 छात्राएं दिव्यांग हैं। आज दिनांक 31 मार्च 2021 को इस साइकिल वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सिर्फ 30 छात्राओं को ही साइकिल वितरण किया गया, जिसमें इसी तरह से प्रतिदिन 30 छात्राओं को ही शाला में बुलाकर वितरण किया जाएगा। बिलासपुर से प्रीति सोनी की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। साइकिल वितरण किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर स्कूल की दूरी अधिक होने के कारण और आने जाने का कोई साधन न होने के कारण बालिकाओं को जो स्कूल से घर आने जाने का समय लगता था, उस समय लगने के कारण बहुत सारी छात्राओं को या तो स्कूल छोड़ना पड़ता था, चाहते हुए पढ़ाई नहीं कर पाते थी वो बच्चियां, तो स्कूल छोड़ने की दर में बहुत बढ़ोतरी हो गई। तो ऐसे समय में और बहुत सारे निर्धन छात्राएं भी थी जिनके वो साइकिल भी नहीं खरीद पा रही थी, पढ़ना तो चाहती, 8वीं पास होकर 9वीं में जिनका प्रवेश हुआ है, उन सारे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के नाम से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा समय बचना, क्योंकि आने जाने के साधन होने से जो स्कूल आने जाने में, पैदल आने जाने में जो समय लगता था, उस समय का बचत हुआ, उस समय का उपयोग तुम अपने पढ़ाई लिखाई के लिए कर सकते हो। ये सरकार की जो महत्वपूर्ण मंशा इसके पीछे है, इस पूरे कार्यक्रम की, वो इस कार्यक्रम को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि द्वय जो हैं, मैं चाहूँगा कि आशीर्वचन के रूप में दो शब्द आप लोगों से बोलें और उसके बाद हम इस आज जो साइकिल वितरण योजना है इसको हम संपन्न करें। भाई कहूँगा कि दो शब्द आप लोगों से। आज पंडित देवकीनंदन शाला परिसर में सरस्वती योजना के तहत साइकिल वितरण हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस वार्ड के पार्षद हमारे बड़े भैया राजेश भैया, इस शाला स्कूल के प्रिंसिपल सचिन सर और यहाँ पे उपस्थित सभी मैडम को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी बहनों को मेरा नमस्कार और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ के निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें आप लोगों की पढ़ाइयाँ रूटीन में नहीं हो पा रही होगी, तो आपको खुद सुलझ और अपने तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिससे आने वाले टाइम में आप लोगों को दिक्कत ना जाए। इसलिए बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो जो रेगुलर में पढ़ाई होती है वो हो नहीं पा रही आप लोगों की, तो उस पढ़ाई को कंटिन्यू आप अपने घर में ही कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत दिक्कत जाएगा अगर आप लोग अभी ध्यान नहीं देंगे। सरकार द्वारा आपको प्रमोटिव करके आगे बढ़ा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, सरकार की योजना है, वो आप लोगों को सेव करने के लिए कर रहे हैं, मगर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपना भविष्य बनाना है। तो मैं आप सब बहनों से एक ही चीज़ का निवेदन कर रहा हूँ, आपको साइकिल सरकार द्वारा मिल रहा है, इसके आपको सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इससे आप स्कूल आइएगा, जब स्कूल चालू होंगे आपको और भी कुछ काम होगा, साइकिल से आना जाना करिएगा, साइकिल को संभाल के रखिएगा, अपना समझ के रखिएगा, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, आप लोगों की सुविधा भी ये दिया जा रहा है कि आप लोगों को आने वाले टाइम में कभी दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे सर बताए कि गांव में दिक्कत, वाकई में ये सच्चाई है कि